प्रदेश के निजी स्कूलों में हो रही मनमानी और शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहा है। अब स्कूलों में मनमानी को लेकर जन संघर्ष अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर सब दल एक होते हुए नजर आ रहे हैं। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई हिला हवाली नहीं चलने दी जाएगी। सरकार यदि कोई नियम कानून बनाती तो ये जो दशा सरकारी स्कूलों की वो नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूलों का देख रहे हैं, जितना बाजारीकरण हो रहा है, जितनी फीस बढ़ाई जा रही है, डोनेशन मांगा जा रहा है, मतलब जो माफिया स्कूल पनप माफिया जो पनप रहा है इस उत्तराखंड के अंदर, उसका हम घोर विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि वो अभी शुरुआत के दौर पे कि जो नए क्लास में जो आप फीस बढ़ा रहे हैं, आप शिक्षा मंत्री से हमने कहा था कि तत्काल शिक्षा फीस को रोक लगाई जाए, ये फीस ना बढ़े। और दूसरा हमारा ये कहना है कि सरकार जो यहाँ की सरकार है वो यहाँ पे एक शासन आदेश निकाले कि तमाम ट्रेजरी से जो सरकार से वेतन लेते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सरकार से वेतन ले रहा, चाहे वो DM हो, चाहे IAS हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, वो व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। चाहे वो डोनेशन बिल्डिंग फंड के नाम पर, चाहे स्टेशनरी के नाम, चाहे ड्रेस के नाम पर, और फीसों की मनमानी के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का भी अवहेलना कर रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों को एडमिशन देने का प्रावधान है। आज ये हम लोगों ने पीड़ा उठाया, महिला मंच ने, उसके साथ तमाम संगठन जुड़े हुए हैं, और ये जो प्राइवेट लोगों की मनमानी है, इसके खिलाफ हमने शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने केवल आश्वासन दिया था 24 तारीख, आज डेट दी थी, आज 25 तारीख को धरना है। और हम ये लड़ाई, क्योंकि ये जन जन की लड़ाई है, इसको हम जब तक हम अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेते इसको हम जारी रखेंगे। देखिए, उत्तराखंड जब से बना है 14-15 साल हो गए हैं, शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब उत्तराखंड नहीं बना था, समय था UP का, उस समय भी जो शिक्षा मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने कभी भी सरकारी शिक्षा की सही नीति नहीं बनाई। 1990 में जब मैं खुद DAV कॉलेज में पढ़ता था और 10वीं का छात्र था तो उस समय 14% रिजल्ट दिया गया। उस 14% रिजल्ट का आज भी हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है कि सारे बच्चों को जिनकी दो दो सब्जेक्टों में DI वो फेल हो गए।